Hello guys, how are you all? Welcome to another video. This is your Shashwat Verma and you are watching the channel Shashwat.powerlift. और आज हम बात करने वाले हैं फैट लॉस डाइट के बारे में. जी हाँ, फैट लॉस डाइट. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन अ डाइट जो आपको हेल्प करे फैट लूज करने की. ये सारा बॉडी के अराउंड, टमी के अराउंड, हर जगह से आपका गोल है फैट लूज करने का, पतले होना है, वेट भी लूज करना है. और आप ढूंढ रहे हैं एक डाइट कि आपको कुछ मैजिक मिल जाए और आपकी हो जाए फैट लॉस जर्नी शुरू. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं कोई ऑनलाइन कोच नहीं हूँ. मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ फ्री. मेरा पर्पस, मेरी इंटेंशन किसी से पैसे चार्ज करने का नहीं है, और ना ही मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, ना ही मैं ऑनलाइन डाइटिंग देता हूँ किसी को पैसे लेके. माई इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर एंड सिंपल. सबको नॉलेज मिलनी चाहिए. जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं सबको आगे बांट रहा हूँ. सो आई डोंट चार्ज एनीथिंग. मेरे पास जो नॉलेज है वही नॉलेज आपके पास भी जानी चाहिए. यही मेरा पर्पज़ है. सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर एनी गाइडेंस, एनी हेल्प, एनी सपोर्ट, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑन दैट टॉपिक. तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विच इज़ फैट लॉस डाइट. तो हमारी फैट लॉस डाइट है क्या? ये है हमारी फैट लॉस डाइट. जी हाँ, बहुत ही सिंपल है. घर का खाना, घर का खाना हमारा सबसे अच्छा फैट लॉस डाइट में काम आता है. अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छी फैंसी सी फैट लॉस डाइटिंग, कोई जिसमें आपको 6 मील 7 मील कोई बना के बता रहा है कि सुबह ये खाइए, शाम को वो खाइए, दोपहर में ये खाइए, इन बिटवीन मील ये खाइए, तो आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं. क्योंकि जो लोग, जो न्यूट्रिशनिस्ट, मैं उनको गलत नहीं बता रहा, बट जो लोग आपको ऐसी फैंसी सी अच्छी सी डाइट बना के दे रहे हैं, तो उनका काम ही वही है, उनको आपसे पैसे लेने हैं. तो जब वो पैसे लेंगे तो आपको ये थोड़ी ना सिंपल चीज़ बता देंगे कि भैया आप घर में दाल रोटी खाओ, चावल चावल सब्जी खाओ. वो तो आपको कुछ अच्छा फैंसी से बता के देंगे ना. उनको अपने पैसे जस्टिफाई करने हैं. तो इसीलिए आपको देख के आप सेलिब्रिटीज़ को या और दूसरे दूसरे लोगों को कि हम 6 कोर्स मील खा रहे हैं फैट लॉस करने के लिए, और वो हम शुरू में हम कोई अलग ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर हम ग्रीन्स खा रहे हैं, फिर हम बॉयल्ड चिकन, और ये पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो उन डाइट्स में दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें होती हैं. शुरुआत, दिन की शुरुआत किसी चीज़ से होती है, और शाम तक जाते हैं पता नहीं क्या क्या प्रिपरेशन करा के क्या क्या भाई आपको खिलवा देते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, उससे डेफिनेटली फैट लूज़ होता है, लेकिन सबसे अच्छी डाइटिंग वो होती है जो आप सस्टेन कर पाओ. ऐसी फैंसी डाइटिंग सस्टेनेबल नहीं होती. आप खुद सोचने की कोशिश करो कि इतने डिफरेंट 6 प्रकार के डिफरेंट मील्स कैसे बनाओगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन करोगे. शुरू शुरू में तो क्योंकि यस, आपने पैसे खर्च किए हैं या आपको कहीं से डाइट मिल गई, आपने एंथुजियाज्म में और जोश जोश में आपने प्रिपेयर कर भी लिया, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है. और दूसरी चीज़ एक और है, क्रैश डाइटिंग बहुत होती है. उसमें जीरो कार्ब्स, एकदम ही जीरो कार्ब्स कर देते हैं. हाँ, वो भी काम करता है जीरो कार्ब्स, बट क्या वो सस्टेनेबल है? क्या आप पूरे लाइफ टाइम जीरो कार्ब्स रह सकते हो? नहीं रह सकते. हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से. या तो आप एक्सटर्नल सोर्स से कार्बोहाइड्रेट हुए, आपकी बॉडी में स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. बट हमारी बॉडी ना बहुत क्लेवर होती है, सब कुछ स्टोर्ड से नहीं होती, बॉडी को बाहर से भी चाहिए होता है. तो जीरो कार्ब डाइट अच्छी होती है. एक लिमिट को अगर आपको बहुत ही रैपिडली, बहुत फास्ट लूज़ करना है, श्रेडिंग करनी है, बट वो उन लोगों के लिए ठीक होती है जो कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं, जिनको बहुत ही अपने मसल्स उभर के दिखाने हैं. नॉर्मल लोगों को जीरो कार्ब डाइट पर जाना ही नहीं चाहिए. सबसे अच्छा होता है अपने घर का खाना खाना. और मैं आपको बताता हूँ सबसे बेहतरीन ट्रिक और टिप कि अपनी डाइट कैसे शुरू करी जाए. तो टिप नंबर 1, आपको पता होना चाहिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है. अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज हैं जो आपकी बॉडी को एक दिन में चाहिए होती है फंक्शन पूरा करने के लिए. तो वो पता कैसे चलेंगे? उसके ऑनलाइन गूगल पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, जो आपको एक यहाँ साइड में दिख जाएगा, जिसका एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ. ये मैंने मिल दिया, पहला लिंक पे मैंने क्लिक करा और बेसिक सी डिटेल्स पूछ रहा है, ऐसे मेरी एज कितनी है, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, मेरी हाइट कितनी है, मैं वीक में कितनी बार एक्सरसाइज करता हूँ, किस प्रकार की एक्सरसाइज करता हूँ, व्हाई हैव सेलेक्टेड 6 टाइम्स अ डे इंटेंस, और इसमें हमने किया क्लिक. तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेटर, मेरे एज, हाइट और मेरे एक्सरसाइज रूटीन के हिसाब से मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही हैं 2800 के अराउंड. अगर मेरे को अपना वेट मेंटेन करना है तो मुझे खाना है दिन के 2800 कैलोरीज. और अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेटर, अगर मुझे वेट लूज़ करना है, वेट लॉस जर्नी पे जाना है, तो मुझे इतनी 2400 से 2600 कैलोरीज
हनी, और अगर रैपिडली करना है तो 2200। बट अब हमें ये पता चलिए मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। अब सेकेंड चीज़ आती है फैट लॉस जर्नी शुरू करने के लिए आपको करना है नेक्स्ट। सो नंबर वन वॉज टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरी, नंबर टू इज टू रिमेन इन अ कैलोरिक डेफिसिट। तो जी हाँ, अगर आपको अपना फैट लॉस ऐसे डाउनवर्ड स्केल पे लेके जाना है तो आपको अपने डेली कैलोरी इनटेक को रेगुलेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर मेरा एग्जांपल हूँ 2800, और अगर मुझे फैट लूज़ करना है, मेरे को अभी फैट लूज़ करना है, तो मैं ये एग्जांपल के लिए लेता हूँ 2800 मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है, तो मुझे दिन की 2600 कैलोरी कम से कम, इतना 200 कैलोरी का डेफिसिट करना पड़ेगा। अब 200 का डेफिसिट तो हो गया, लेकिन जब मैं वर्कआउट करूँगा तो मेरी बॉडी और कैलोरीज बर्न करेगी, तो मेरा जो ये गैप है 2800 से 2600 के बीच का, ये धीरे धीरे और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं और बर्न भी कर रहा हूँ, तो मेरा जो फैट लॉस जर्नी है वो शुरू हो जाएगी ऐसे फास्ट। तो दो ही गोल्डन रूल हैं, एक तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए, दूसरी आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। गोल्डन रूल के बाद आते हैं कि खाएं क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की होती है, लोग डरते हैं चावल खाने से, रोटी खाने से। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो चीज़ खाते हो, घर में जो खाना बना है वो खाओ, हर एक चीज़ एक कैलोरी अमाउंट के बराबर होती है। हम जैसे कार्ब्स भी खाते हैं, तो कार्ब्स ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कार्ब्स की अलग है, लेकिन 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज इक्वल टू सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो उसके लिए आप एक ऐप डाउनलोड करिए, माई फिटनेस पैल है और बहुत सारी ऐप्स हैं, उस पर आप डाल के देखिए कि आप दिन में क्या क्या खाते हैं, और उनकी एक दिन और दो दिन, मतलब जैसे रेगुलर खाना आप खाते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन का डाल के देखिए, आपको देखिए आपको पता चल जाएगा कि आपका डेली का कैलोरी इनटेक कितना है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे कट डाउन या कहाँ पे इंक्रीज़ करना है। हाँ, बट मैंने जैसे ये बोला कि कार्ब्स खा सकते हो, कार्ब्स खाने बुरा नहीं, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन चावल ही चावल खाए जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ खाने हाई इन कैलोरी डेंसिटी होते हैं, मतलब खाना इतना सा होगा लेकिन उसकी कैलोरिक अमाउंट ज़्यादा होगी। कुछ में होता है खाना ज़्यादा होता है लेकिन कैलोरिक डेंसिटी कम होती है, जैसे सैलड्स होते हैं, सैलड्स के हम ज़्यादा बड़ा पोर्शन खा सकते हैं लेकिन उसमें जो कैलोरी अमाउंट होगी वो होगी थोड़ी। अब हम जैसे चावल या रोटी खाएंगे, मान लो इतना सा चावल का पोर्शन खाया लेकिन उसमें कैलोरीज कितनी होंगी, थोड़ी ज़्यादा होंगी। तो खाना सब है लेकिन सब रेगुलेट करके खाना है। आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, एग्स खाइए अगर आप वेजिटेरियन हैं, नहीं तो वेजिटेरियन हैं आप तो चने खाइए, चने में बहुत एग्स होते हैं, चने में बहुत प्रोटीन होता है। आप पनीर खाइए, पनीर में प्रोटीन कार्ब्स सब होते हैं। बट जितना भी आप खा रहे हो उस अमाउंट को फिटनेस पैल ऐप पे या किसी भी और ऐप पे आप मेजर करो कि उसमें कितने कैलोरीज हैं, और अपना गोल सेट करो कि मुझे 2600 से ऊपर नहीं जाना। शुरू करो एक वीक में 2600 कैलोरी और थोड़ा एक्सरसाइज करो, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो बहुत अच्छा, नहीं तो एक्सरसाइज अगर शुरू कर रहे हो डेली की 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करके आप देखो आप 300-400 कैलोरीज एक्सरसाइज से बर्न करोगे तो आप डेफिसिट में आओगे। अब आप इसमें अपना दिमाग मत लगाना कि मैं एक्सरसाइज करके 300 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। बॉडी को एक सिग्नल मिलता है जब आप बॉडी को अपनी रेगुलर कैलोरी की इनटेक नहीं मिलती, तो वो सिग्नल क्या होता है, वो सिग्नल ये होता है कि आपका जो 200-300 कैलोरी का जो डेफिसिट है वो बॉडी कहाँ से निकालेगी, वो बॉडी यहाँ स्टोर्ड जो है ना पेट में या हर जगह फैट है वहाँ से निकालेगी। फैट को तोड़ के बॉडी फैट को मेटाबोलाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, वो एनर्जी बॉडी कंज्यूम करेगी। सो अपना दिमाग मत लगाना, 200 के डेफिसिट में रहना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा डेफिसिट में आके ज़्यादा जल्दी फैट लूज़ करना शुरू कर दोगे। सो हमने क्या चीज़ें देखी, 2 गोल्डन रूल्स, 1 यू शुड नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज, 2 यू शुड बी इन कैलोरिक डेफिसिट, देन 3 यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा जितना भी आप करते हो, एंड 4 कार्ब्स आर नॉट बैड, कार्ब्स आप खाने हैं लेकिन रेगुलेट करके खाने हैं, एंड 5 यू शुड नो वॉट यू आर ईटिंग एंड वॉट दैट फूड इज अकाउंटिंग टू द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज। Still looking for a fancy diet for fat loss, go ahead, I won't stop you. But मेरा फंडा यही है, मैं घर का खाना खाता हूँ, घर के खाने से ही मैं स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, और घर के खाने से ही मैंने फैट लॉस किया है अपना, और मैंने कभी भी कोई फैंसी डाइट अपनाने की कोशिश नहीं करी। यस, कीटो डाइट सबने ट्राई करी, मैंने भी ट्राई करी, कीटो इज़ ऑल्सो गुड, बट वो सब सस्टेनेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम तक उनको चला नहीं सकते। थोड़े थोड़े टाइम के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप सब यूज़ करके देख सकते हो, 3 हफ्ते से ज़्यादा आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा हम इंडियंस हैं, हमारे टेस्ट द बर्ड्स इतने अच्छे हैं कि हमें सब कुछ खाने का मन करता है। अब आप अपने ईटिंग हैबिट्स कर्टेल ज़रूर कर सकते हैं अलग अलग टाइप के डाइट प्लान्स फॉलो करके। अगर आप ओवर ईटर हैं तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प होगा इसमें कि आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सुधर जाएंगी।
सो देवी और सज्जनों, आज का वर्कआउट हो गया है फिनिश। हम नहा धो के बन गए हैं गुड बॉय और ये है हमारा दिन का आखिरी मील, एग भुर्जी, 5 egg whites विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। सो जैसे हम बात कर रहे थे फैंसी डाइट और घर का खाना, तो ये मेरी एग भुर्जी भी घर का खाना है। घर पे प्रिपेयर करी है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और यमी लगती है, टेस्टी लगती है। डिसाइड करिए आपको सीधे जाना है या ऐसे हाथ घुमा के दूसरी तरफ से कान पकड़ना है, मतलब सिंपल है, कान ऐसे पकड़ना है या ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ना है। सिंपल कैलोरी डेफिसिट में रहो, घर का खाना खाओ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन करो कार्ब्स प्रोटीन का, और एक्सरसाइज करो और फैट लूज करो, या फिर पैसे खर्च करो, बहुत ही अच्छी फैंसी सी डाइट लो और उसको प्रिपेयर करते रहो, 6-7 कोर्सेज लो, वैसे भी लूज कर लो, वो भी पॉसिबल, बुरा नहीं है। टोटल 5 eggs, 2 yellows एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल भुर्जी, सिंपल घर का खाना। दिन भर हम खाते हैं दाल सब्जी रोटी, रात को खाते हैं हम एग्स, और इन बिटवीन मील्स खाना चाहिए फ्रूट्स एंड नट्स, क्योंकि हमें वाइटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड सब कुछ चाहिए, और वो हमें मिल जाता है फ्रूट्स एंड नट्स। स्नैकिंग करनी है फ्रूट्स एंड नट्स, और जो भी आप फैंसी डाइट्स भी बनाओगे, फैंसी डाइट्स भी जैसे हम लेते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से, वो लोग भी यही करते हैं, 2-3 मील्स आपकी बड़ी होती हैं और 2-3 छोटी छोटी मील्स होती हैं। जो बड़ी मील्स होती हैं, छोटी मील्स होती हैं, उसमें स्नैकिंग में हम फ्रूट्स एंड नट्स खा लेते हैं। अल्टीमेट गोल ये है कि आपको अपना कैलोरी डेफिसिट और टोटल दिन का कैलोरी लेवल मीट करना है और वर्कआउट करना है और फैट लॉस जर्नी करी, यू डिसाइड। जब तक मैं अपने एग्स खाता हूँ, अपना दिन फिनिश करता हूँ, यू डिसाइड यू वांट टू गो स्ट्रेट और यू वांट टू गो दिस। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं कवर करूँगा फुल फैट लॉस डाइट प्लान, मतलब माई फुल डे ऑफ ईटिंग, कि मैं क्या खाता हूँ, सब्जी रोटी दाल खाता हूँ, बट कैसे खाता हूँ, कितना कितना खाता हूँ, दिन में कब खाता हूँ, वो सब हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। सो होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। एक और वीडियो बनाएंगे फुल डे ऑफ डाइटिंग का, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हंग्री, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड हैव फन।